कोर्ट को, अदालत को इस देश में न्याय का मंदिर कहा जाता है, लेकिन न्याय के मंदिर से अगर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आए जहां जजों और वकीलों के बीच बहस हो, बहस इतनी हो कि जो वकील हैं वो जज को मारने के लिए पीटने के लिए दौड़े, पुलिस को बीच बचाव करना पड़े और फिर वहां लाठियां भांजी जाए, वहां कुर्सियां जो है पुलिस वाले वकीलों को खदेड़ने के लिए कुर्सियों का इस्तेमाल करें और फिर जाकर एक कचहरी को, कोर्ट को छावनी बना दिया जाए जिससे कि सुरक्षा हो सके। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हाई कोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। ये जो तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहले तो मुझे ये बता दीजिए ये कितनी जायज है, क्योंकि इसी देश की कोर्ट में हत्याएं तक कर दी जाती हैं, गोलाबारी तक होती है, लेकिन सीधे जज के ऊपर ऐसे हमला करना। देखिए अभिषेक जी, इस पूरे विजुअल के अंदर मेरे को कहीं पर भी ये नहीं नजर आ रहा कि जज के ऊपर हमला हुआ है, पहली चीज, क्योंकि ये पूरा मामला शुरू होता है एक हियरिंग को लेकर के, जहां पर एक एडवोकेट, अभिषेक नाम के एडवोकेट हैं और वो अपने साथी वकील के साथ जाते हैं और बेल एप्लीकेशन के ऊपर आर्ग्यू करने पहुंचते हैं। उनको अपोज करनी थी बेल एप्लीकेशन, कोर्ट में क्राउड होने के कारण और कोर्ट में ज्यादा काम लंबित होने के कारण वहां पर रिक्वेस्ट करी जाती है जिससे कि उनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करके इमीडिएट उनके केस की सुनवाई करी जाए, जिस पर जज की सहमति नहीं आती है और उसके बाद ये पूरा मामला गर्म हो जाता है। अब देखिए, जब हमारे देश के अंदर सेलिब्रिटीज को सेम डे सुना जा सकता है तो एक आम आदमी को क्यों नहीं सुना जा सकता? ऐसा क्यों होता है कि वहां पर बदतमीजी शुरू होती है? बदतमीजी किसने शुरू करी? एडवोकेट ने शुरू करी या पहली बार जज ने वहां पर गलत बोला? ये तो बाद में भी मामला चला है, पता लगेगा कहां से शुरुआत हुई, क्योंकि हाँ। सारी सीसीटीवी फुटेज उसकी ले ली गई है, ले गई। एक फैक्ट और निकल के इसमें सामने आया वकील साहब जी, उनके जो केस की लिस्टिंग थी जी, वो जिस टाइम पे थी मतलब 11:25 पे थी लगभग, और वो उस टाइम तक नहीं पहुंचे, उनका नाम बोला गया, वो 30 तक 35 तक नहीं पहुंचे, उसके बाद जज साहब ने दूसरा केस शुरू कर दिया सुनवाई करने के लिए। जब ज्यादा भड़का भड़की हुई तो वहां जज साहब ने कोर्ट भी अपना उतार दिया, ऐसा खबरों के मुताबिक पता चला। देखिए, ये जनरल एक चीज है, आज की डेट में इतना ट्रैफिक है और किसी भी केस को, ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक में केसेस चलते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी केस के अंदर एडवोकेट टाइम पे नहीं पहुंच पाया, बहुत सारे पर्सनल कारण हो सकते हैं ना पहुंचने के, ट्रैफिक जाम हो सकता है, बहुत और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसको सुना ही नहीं जाएगा। अब इस मामले में अगर बेल एप्लीकेशन पे वो आर्ग्यू करने आए हैं और वहां पर जज साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी होगी, पहले तो रिक्वेस्ट ही करी होगी ना जज साहब से कि हमारे केस को सुन लिया जाए, तो ऐसी रिक्वेस्ट को सुना जा सकता है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जज साहब ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने आकर के वहां पर लाठी भांजनी शुरू कर दी है। आपको पता लग गया होगा यहां पर 8 से ज्यादा एडवोकेट्स को इंजरी आई है। अब पिटाई किसकी हुई है बताइए? वकीलों की। और वकील क्या करने पहुंचे हैं? वहां पर न्याय दिलाने पहुंचे हैं ना, वकील होंगे तभी तो कोर्ट चलेगी, क्या बिना वकीलों के कोर्ट चल जाएगी? लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम होता है वकीलों का, और अगर इस तरीके से वकील, पुलिस और जजेज आपस में भिड़ जाएंगे तो पब्लिक के ऊपर क्या असर जाएगा इसका? पब्लिक कैसे मानेगी कि उनको न्याय मिल जाएगा? अब यहां पर एक तरीके का ना वीआईपी कल्चर चल रहा है हमारी कोर्ट्स के अंदर। कैसे? क्यों वीआईपीज को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? कैसे वीआईपीज के केस एक ही दिन में लिस्टेड हो जाते हैं? कैसे वीआईपीज केस को रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल करके सुन लिया जाता है? क्यों नहीं एक आम आदमी को अगर एडवोकेट जाकर के रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे केस को आज ही सुना जाए और हमारे केस को, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी दूसरी कोर्ट में डाल करके इसको सुन लो, तो क्यों नहीं ऐसी रिक्वेस्ट को नहीं मान लिया जाता और क्यों वहां पर बार को बीच में घुसना पड़ता है? अच्छा, एक और एंगल वकील साहब इसमें खबर में निकलकर सामने आया ट्विटर पर, ये जो चल रहा है 37 सीटों का नतीजा, अदालत में एक जज तक पर हमला करने लगे सपाई, मतलब वो यादव है इस वजह से शायद सपाई लिखा है, गाजियाबाद में जिला जज पर हमला करने वाले सपाई वकील नार सिंह यादव पर लग चुका है रासुका, अभिषेक यादव, औरंगजेब खान, बिलाल अहमद, क्या ये जातियों में भी बटा हुआ होता है वकीलों का जो ग्रुप है? मैं इस मामले को कोई, आप इसको पॉलिटिकल मामलों से जोड़ना, इसको भाजपा या एसपी से जोड़ना या कांग्रेस से जोड़ना, मैं इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं मानूंगा। वकील जितने भी होते हैं वो अपना एक प्रोफेशनल काम करने के लिए कोर्ट में जाते हैं और हमेशा दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, जिनका काम होता है कोर्ट में जाकर के कोर्ट को असिस्ट करना। हमारा वकील साहब वकीलों का डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, डिफेंड नहीं कर रहा हूं, देखो यहाँ पर डिफेंड वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो चीज सामने नजर आ रही है, आप देखो इस पूरे वीडियो के अंदर, बताइए कहां पर किसको लाठी पड़ रही है, बताइए पूरे वीडियो के अंदर देखिए कौन यहां पर पिट रहा है और किसके किसके साथ जाती हो रही है,
आपने जज साहब का बिहेवियर भी, एक तरफ जज साहब है और दूसरी तरफ अगर 10-12-15 वकील खड़े हैं तो जाहिर सी बात है जिसके सर ज्यादा होंगे उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए जज साहब को पुलिस बुलानी पड़ी होगी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी भी कोई भी वकील किसी जज से बदतमीजी नहीं करते हैं, वहां पर रिक्वेस्ट ही होती है, वो एक ऑनरेबल चेयर है और ऑनरेबल चेयर को हमेशा रिक्वेस्ट करा जाता है। अगर वहां पर रिक्वेस्ट करी गई है, रिक्वेस्ट को नहीं माना गया है और उस रिक्वेस्ट को ना मानने पे अगर बार बीच में आ रही है और वो भी रिक्वेस्ट कर रही है जाकर के सुन लीजिए, और उसके बाद पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस फोर्स देखिए कितनी है, आपको लगता है इतनी पुलिस फोर्स के सामने वकीलों की चलेगी? देखिए पुलिस की तो यहां गलती नहीं है, अब जज साहब ने बुलाया कि सिक्योरिटी का इशू है आप आ जाइए, सिक्योरिटी को अगर बुलाया तो पुलिस तो आने का काम करेगी वहां नहीं, लेकिन पुलिस का काम सिक्योरिटी देने का है, वहां पर डंडे मारने का थोड़ा है, यहाँ तो डंडे बरसाए जा रहे हैं। आप देखिए कहाँ, आप देखिए क्लियर नजर आ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं, कुर्सियां भी उठा रहे हैं उन्हें खदेड़ने के लिए। क्या यहाँ पर कोई क्रिमिनल्स है? अब क्या कोई क्रिमिनल्स है? हालात कोर्ट के अंदर बिगड़े होंगे तभी लाठियां चलानी शुरू। देखिए लाठियां बरसाने का जो आदेश होता है वो बिल्कुल ऐसे सर्कमस्टांसिस में होता है जब उस सिचुएशन को हैंडल ना करा जा सके। तो क्या यहाँ पर लाठियां मारने का आदेश हुआ है या पुलिस ने ऐसा देख लिया है कि यहाँ पर सर्कमस्टांसेस खराब हो गए हैं? क्यों चिल्लाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? देखिए शुरुआत में तो आप बातचीत पुलिस को भी आराम से खड़े होकर बातचीत करते हुए देख सकते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ जो काम बातचीत से निपट सकता था ऐसी नौबत ही क्यों आई है? अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है केस को जल्दी सुनने की, क्या केस को जल्दी सुनने की रिक्वेस्ट को इस तरह की नौबत तक पहुंचने की जरूरत थी क्या? आप मेरे को बताइए, अगर कोई वकील कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट के लिए यह बोल रहा है कि मेरे केस को जल्दी सुन लीजिए ये अर्जेंट है मामला, तो क्या अर्जेंट को लेकर के अर्जेंट तरीके से नहीं सुना जा सकता? बिल्कुल सुना जा सकता है, ये जो जहां हुआ वो नहीं होना चाहिए था कोर्ट में, न्याय का मंदिर जिसे कहा जाता है। लेकिन क्या फिर भड़के हुए वकील पुलिस की चौकी में जाकर उनके फर्नीचर को आग लगा देंगे, ये कितना जायज है? देखिए कोई भी किसी भी तरह की इस कोई भी अगर ऐसी आग लगाई जा रही है, मारपीट की जा रही है, अगर वकीलों की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है मैं इसको कभी भी जायज नहीं बोलूंगा, जायज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो वहां पर जनरली वकीलों को गलत बोल दिया जाता है। ऐसा क्यों है कि वकीलों को ही गलत बोला जा रहा है? आप देखिए अगर सिचुएशन गर्म हुई है वहां पर पुलिस आई है, क्यों नहीं ये पहले सिचुएशन कंट्रोल हो गई? जबकि दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, इनको रोज इसी कोर्ट के अंदर आना है, जज साहब भी जानते हैं इन वकीलों को, वकील भी जानते हैं जज साहब को, कोई पहली बार तो अपीयर नहीं हो रहे ना इस कोर्ट के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही कोर्ट के अंदर, आपने बताया पुराने वकील है क्या, पहली बार ही कोर्ट के अंदर आके खड़े हुए हैं? ऐसा मामला ऐसी सिचुएशन पैदा ही क्यों हुई? अब अगर वकील आज जाकर के कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, जल कोई आप कह रहे हैं जलाया, तो मैं इसको बिल्कुल भी ये जलाने वाला तो कृत्य गलत है ना, कृत्य गलत है, लेकिन वो वकीलों ने जलाया है या किसी और ने करा है ये तो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। आज ये बोल देना कि वकीलों ने जलाया, ये तो अभी तो साबित नहीं हुआ है ना कि वकीलों ने ऐसा कुछ करा है। अब इस मामले को कैसे एक्सकलेट करा जा रहा है, धीरे धीरे वकीलों को बांटा जा रहा है, बार्स बन गई हैं अलग अलग, पुलिस महकमे आकर के अब रोज ऐसे मामले आते हैं जहां पर पुलिस गलत तरीके से केस रजिस्टर्ड कर देती है वकीलों के ऊपर। क्यों ऐसा हो रहा है कि गलत तरीके से वकीलों के ऊपर ही केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं? अच्छा हाँ मैम एक जवाब दीजिएगा बहुत छोटा सा, अगर जज और वकील के बीच इस तरीके की बहस होती है उसमें जीतता कौन है? बहस अगर फिर इस तरीके का जो भी कुछ हुआ है यहाँ, नहीं देखिए जीतने का तो इसमें जैसे जो वकील थे सारे वो अब धरने पर चले गए, अब कचहरी में काम नहीं होगा, अगर वकील नहीं होंगे तो फिर सुनवाई किस चीज की करेंगे? देखिए यहाँ जीत का सवाल नहीं है, बात ठीक और गलत का है। अगर मेरे से आप पूछते जीतता कौन है, जीत हार की बात नहीं है यहाँ, ठीक गलत की बात है। अब इस मामले में मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर वकीलों की कोई गलती है, मैं पूरे तरीके से बोलता हूँ, मैंने पूरा मामला देखा है, पूरा सुना है। एक अगर रिक्वेस्ट के मामले में इस तरीके से एक्सकलेट करा जाता है गलत है, पूरे तरीके से गलत है, रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए, वीआईपी कल्चर को फॉलो ना करे, न्यायपालिका पे लोगों का बहुत विश्वास है, जब सलमान खान को एक दिन के अंदर बेल मिल सकती है तो एक आम आदमी की सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? बहुत गंभीर विषय है, लेकिन जिस तरीके से आज तक सुना था कि पुलिस वाले कभी भी पुलिस वालों को दोषी नहीं ठहराते, आज हमने वकीलों के बारे में भी ऐसा देखा। खैर नहार सिंह यादव जो केस की इसकी सुनवाई, जो वकील थे इस केस में जिस केस का ये मसला चल रहा है उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ मिला, इन दोनों को मिलाकर तकरीबन 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब रासुका लगाई गई है नहीं लगाई गई है, लगाई जा सकती है नहीं लगाई जा सकती वो एक अलग मसला है। 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने इस हमले की इस घटना की निंदा की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जज साहब फैसला सुनाने वाले हैं,
वकील साहब केस लड़ने वाले हैं, दोनों के बीच का मसला है, कौन जीतता है कौन हारता है, किसके हक में फैसला आता है, जांच किसके हक में जाती है। बाकी वकील साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।